125 वर्षीय स्वामी शिवानंद को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गरीबों की मदद करने में उनके निस्वार्थ योगदान और योग के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार लेने के लिए वह दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल पहुंचे। उन्होंने सिर्फ सफेद कुर्ता और धोती पहनी थी। वह हॉल में आए और पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने घुटने टेके। मोदी ने भी तुरंत झुककर जमीन को छुआ। वह फिर उठे, चले और स्टेज से थोड़े दूर फिर झुके। जब वे डायस पहुंचे तो उन्होंने फिर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने नतमस्तक किया। इसके बाद कोविंद आगे आए, शिवानंद को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने उसे पुरस्कार सौंपा। दोनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दरबार हॉल में तस्वीरें खिंचवाईं। मैं आपको बताती हूँ उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को भारत के सिलहट ज़िले में हुआ था। ४७ में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र अब बांग्लादेश में है। घोर गरीबी के कारण उनके भिखारी माता पिता उन्हें बचपन के दिनों में मुख्य रूप से उबले हुए चावल का पानी खिला सकते थे। स्वामी शिवानंद ने 6 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। उन्हें पश्चिम बंगाल के नवाबद्वीप में उनके गुरु ओमकारानंद गोस्वामी के आश्रम लाया गया। गोस्वामी ने उनका पालन पोषण किया, योग और ध्यान सहित सभी व्यावहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने उसे पाला। इसके बाद वे योग गुरु बने। उन्होंने अपना जीवन लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 50 सालों से वह 400 से 600 लोगों को भोजन, फल, थाली, कंबल, सर्दी के कपड़े, मच्छरदानी आदि देकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दिल खोलकर लोगों की मदद की। उनकी मान्यता है कि संसार मेरा घर है, इसके लोग मेरे माता पिता हैं और उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। कितनी सकारात्मक सोच है ना, अद्भुत। 125 साल की उम्र में उन्हें कोरोना भी हो गया था। इसके बावजूद वह बहुत मजबूत थे और लोगों को आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव है। डॉक्टरों ने उनके शरीर का प्रशिक्षण किया और पाया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका कहना है कि यह सब योग की वजह से है। Shivananda Baba, not only the oldest, but also happiest.